हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? जी मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। तो लेके आ चुका आप लोग लिए एक और माइनक्राफ्ट की ब्रांड न्यू वीडियो। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो गाइस, आज की वीडियो सिर्फ स्पेशली आप लोग के लिए होने वाली है। बदल, भाई, क्योंकि आज मैंने कोई वर्ल्ड क्रिएट नहीं किया, जहाँ पे आप अभी मुझे देख रहे हैं बिल्कुल एक न्यू वर्ल्ड में, ये एक प्रॉपर सर्वर है। क्या बात कर रहे बाबा? जो गाइस मैंने बनाया है, और गाइस इस सर्वर के अंदर टोटल 5 बंदे ज्वाइन हो सकते हैं, और एक तो मैं हूँ गाइस, 4 बंदे बाकी के कोई भी हो सकते हैं आप में से, वो ज्वाइन हो सकते हैं जो मेरी वीडियो पहले देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से लिंक पे क्लिक करें गाइस, क्लिक। गाइस क्लिक, और एथरनोस सर्वर का आपको लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके 1.20 माइनक्राफ्ट में मेरी जो सर्वर है वो अपलोड हो जाएगा। गाइस हर सैटरडे संडे को लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी, तो फुल सपोर्ट दिखाइएगा। हर सैटरडे संडे 6 बजे, शाम को 6 बजे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी, फुल सपोर्ट दिखाइएगा भाई को। और इस SMP का, इस सर्वर का नाम क्या रखा जाए मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है गाइस, मुझे कमेंट में बताइएगा। जो सर्वर में ज्वाइन हो रहे हैं वो भी आइडिया दीजिएगा, उन लोगों को बात करनी है जो सर्वर में ज्वाइन होंगे, तो वो डिस्कॉर्ड या इंस्टा पे मुझसे आके बात कर सकते हैं उस सर्वर के बारे में, तो हमें क्या करना चाहिए उस सर्वर में, तो जल्दी से जाएं और ज्वाइन होएं गाइस, और मुझे सर्वर का भी बताइएगा। तो गाइस आज हमें इस सर्वर में विलेज तो ढूंढ लेते हैं, कम से कम हम विलेज एक ढूंढ के रख लेते हैं, तो वो बाकी जब हमारे दोस्त आएंगे बाकी के, जब हम आगे इस SMP को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन आज विलेज ढूंढ लेते हैं हम। तो चलते हैं भाई, अभी हम हैं ही उस सर्वर में ही। तो गाइस सबसे पहले तो हम वुड काट लेते हैं, क्योंकि हमें टूल वूल भी बनाने होंगे, जल्दी से काटते हैं वुड। तो गाइस हमारे पास हो चुकी है काफी सारी वुड, अब इससे बना लेते हैं हम जल्दी से प्लैंक इसकी, उसके बाद हमारी बनती है क्राफ्टिंग टेबल। तो जल्दी से बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और पहले प्लैंक बना ली है हमने, हमारी प्लैंक काफी सारी बन चुकी है, इसी के साथ हम जल्दी से बना लेते हैं अब क्राफ्टिंग टेबल। हमारी क्राफ्टिंग टेबल भी रेडी है, इसको रखते हैं यहाँ पे। भाई स्पॉन तो हमें अच्छा बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन इधर विलेज ढूंढना कितना हार्ड होने वाला है मुझे नहीं पता, कहाँ पे हमें विलेज मिलने वाला है। तो इसी के साथ हमारी बन गई हैं स्टिक, दोबारा जाएंगे हम क्राफ्टिंग टेबल पे, और यहाँ पे हम रखेंगे, हम सबसे पहले एक ही हमें पिकैक्स बनानी चाहिए अभी तो फिलहाल, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्टोन में, स्टोन होता है ना, स्टोन में हम जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि हम यहीं से ही नीचे जाएंगे, हमें नीचे स्टोन मिल जाएगा। जल्दी से स्टोन में अपग्रेड करते हैं भाई, गाइस 2 मिनट में स्टोन में अपग्रेड करता हूँ। यो गाइस, हमारे स्टोन तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है स्टोन, हम सबसे पहले बना लेते हैं अपनी पिकैक्स। भाई मेरा हंगर बार काफ़ी ज़्यादा गया है, और मेरे पास खाने के नाम पे फूटी कोड़ी नहीं है भाई, एक कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास, हम एकदम छपरी। अभी हमारे पास स्टिक भी ख़त्म हो गई, वो भी बनानी पड़ेंगी भाई, बहुत गरीब है अभी हम इस सर्वर में, इसको अच्छा सा बनाएंगे जल्दी जल्दी, जिन भाई लोगों को ज्वाइन होना है जल्दी होएं और मेरे साथ माइनक्राफ्ट खेलना है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये करना तो भाई बहुत मज़ा आएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाएं भाई। 4 बंदे वो कौन से होने वाले हैं मुझे भी बहुत ज़्यादा वो है इस चीज, उन 4 बंदों को देखने की बड़ी इच्छा है, कौन बंदे होने वाले हैं वो भाई, जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा भाई को भी फुल सपोर्ट दिखाइएगा, और जो लोग नहीं हो पाए उनके लिए सॉरी। तो गाइस वैसे तो पता नहीं होगा भी कोई या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि वीडियो भी बहुत कम व्यूज़ आते हैं इस वजह से, तो देखते हैं कौन कौन होगा या कोई भी नहीं होगा, अगर कोई नहीं हुआ तो गाइस मुझे इस SMP को खुद ही एक करना पड़ेगा, फिर आगे चल के बंदे आ सकते हैं, पता नहीं है कुछ। तो गाइस वैसे जिसको ज्वाइन होना है तो जल्दी हो जाएं गाइस, जल्दी से भाई। सामने विलेज है भाई साहब, भाई हमारे सर्वर की शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी हुई है भाई, हमारे सर्वर की यार इतनी अच्छी शुरुआत हुई है गाइस, हमें इतनी सी देर में ही हमें विलेज मिल चुका है, और विलेज के अंदर हमें खाने की तो बिल्कुल कमी होने ही नहीं वाली, क्योंकि हमारे पास खाना अनलिमिटेड है भाई, यहाँ पे खाने की कमी है ही नहीं बिल्कुल भी भाई, भाई मज़ा ही आ गया भाई। इधर तो खुला भाई, इतना सारा एविल मिल रहा है, सब निकालो, थोड़ा बहुत लैग हो रहा है गाइस,
क्योंकि नेट का थोड़ा इशू चल रहा है गाइस, ये अभी लैग हो रहा है लेकिन फिर नहीं होगा क्योंकि मैं सर्वर अभी रिस्टार्ट कर लूँगा जब, तो सही हो जाएगा। ये फालतू का लैग हो रहा है, अभी मैं बंद कर नहीं सकता हूँ क्योंकि, तो थोड़ा बहुत लैग है, ये भी सही हो जाएगा, वो इतनी उसकी बात नहीं है। ये बिल्कुल अभी बिल्कुल सही चल रहा था, ये कुछ सर्वर में रिस्टार्ट करने का आया है, अगर उसको रिस्टार्ट करूँगा मैं तो सही हो जाएगा इधर आयरन गोला में। लेकिन उससे पहले हम शीप को मार देते हैं, बड़ा बुरा लग रहा है शीप को मार के, लेकिन क्या करें, मारना पड़ेगा क्योंकि हमें खाने के नाम पे हमारे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ भी चुका है खाना, लेकिन फिर भी अभी के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि रात हो गई है। इस आयरन गोलम को मारते हैं, ऊपर चढ़ जाओ भाई जल्दी से, आएगा तो नहीं, एक और ब्लॉक लगा लिया भाई, इसको मारूंगा यहाँ से भाई। पाँच आयरन देखियो, पाँच आयरन से एक भी कम हुआ ना भाई, भाई किस्मत है विलेज मिल गया, काश पाँच आयरन भी मिल जाए भाई, मर जाए यार। और ये लो एक्स ही टूट गई, स्वॉर्ड निकाल के मार देते हैं, तो फाइनली मर चुका है। अब हम देखते हैं कितना हमें आयरन मिला है भाई, 5 आयरन बहुत रहेगा यार अगर मिल गया तो। भाई भाई ये क्या चल रहा है इस, भाई इस सर्वर में मेरी क्या किस्मत है मुझे कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले हम सो जाते हैं इस विलेजर का घर पे कब्जा करके, हमने इसके घर पे कब्जा किया और रात बिता ली है, मज़ा आ गया है। इस विलेजर को हमने सोने नहीं दिया, बेचारे ने इतना काम किया होगा लेकिन हमने इसको सोने नहीं दिया, तो इसके लिए इस विलेजर से हम सॉरी कहते हैं और इसके घर से बाहर निकलते हैं और चुपचाप से निकल लेते हैं। हमें काफ़ी सारा खाना मिल चुका है इस विलेज में, और भी चेस्ट ढूंढते हैं, चेस्टें होंगी तो हमें उसके अंदर से काफ़ी सारा सामान मिल सकता है, और तो वह ढूंढते हैं जल्दी जल्दी भाई, कहाँ है कुछ भी नहीं है भाई, एकदम नल्ला विलेज है भाई। इधर एक ब्रेड मिली है भाई, चेस्ट में से भी मुझे ब्रेड मिली है भाई, कुछ काम का नहीं है भाई इधर भाई, इतना सा विलेज तक है। ओ वहाँ पे भी है पीछे शायद, या मुझे ऐसी लगा शायद नहीं है, वो इधर एमरल्ड पड़े हुए भाई। नाइस भाई नाइस, 3 एमरल्ड मिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि एमरल्ड मिलना इजी इतना नहीं होता है ट्रेड के बगैर। ये मिल चुका है एक ये रहा, हाँ ये इधर भी था, नाइस नाइस नाइस, इधर भी चेस्ट पड़ी हुई है, इसके अंदर से हमें ब्रेड मिली है भाई, क्या है यार भाई। मैंने सुना है आर्मर भी मिलता है भाई, आयरन वायरन मिलता है, क्या फालतू चीज़ें मिल रही हैं भाई, एकदम फालतू। लेकिन कोई बात नहीं, हमें विलेज मिल चुका है, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और देखते हैं इन विलेजर के घर वर हैं या नहीं, देखते हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए, पहले क्राफ्टिंग टेबल निकालता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ अब, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी अभी। हमें आर्मर तो बिल्कुल भी एक भी चीज़ मेरे कोई काम नहीं आएगी, सबसे पहले आएगी काम वाटर बकेट, क्योंकि कहीं से हम गिरने वाले हों तो सब चीज़ें बचा सकती है वाटर बकेट, वैसे बहुत काम की है कहीं ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए गिर जाएँ तो वाटर के जरिए हम चढ़ सकते हैं। और अब 2 आयरन बनाए, दो आयरन बच गया है हमारा, उसका हम क्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है गाइस हम एक स्वॉर्ड बना लेते हैं अपनी आयरन की, जिससे हम मॉब जो होते हैं ना, ये क्रीपर आके फटते हैं स्केलेटन, इनकी थोड़ी बहुत पिटाई कर सकें। तो हमारी स्वॉर्ड भी बन चुकी है इसकी, इसी के साथ हमारी एक्स टूट गई थी वो भी बना ली हमने। इस क्राफ्टिंग टेबल को जल्दी से तोड़ देते हैं हम भाई, छोटू छोटू बच्चे घूम रहे हैं भाई इस विलेज में भाई। नीचे वाटर है ना, वाटर में कूदते हैं डायरेक्ट भाई। इधर मेलन पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, मैं ले लूँ या नहीं, बल्कि मैं निकाल लेता हूँ गाइस ये सारा मेलन, क्योंकि खाने की बहुत कमी पड़ने वाली है भाई। तो गाइस तुम्हारे भाई ने मेलन तो सारा निकाल लिया है, तो इजी, कोई इतनी परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है हमें। तुम्हारे भाई ने मेलन सारा निकाल लिया, एकदम साफ कर दिया भाई विलेजर का सारा माल, एकदम लूट लिया है हमने पूरा विलेज भाई। इन लोगों को गरीब करके जाएंगे, लेकिन इधर क्या है भाई, भाई ब्लास्ट फर्नेस है ना ये शायद, हाँ ब्लास्ट फर्नेस लगे हुए हैं। इधर भी हुई है, मैं समझा चेस्ट होगी, कोई बात नहीं। इधर हो क्या रहा है वैसे, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, फालतू रखे हुए, क्या ही बेकार बंदे भाई, फालतू में ब्लास्ट फर्नेस लगाए हैं। कुछ तो करो इसके अंदर, कुछ तो डालो जो मैं लेके जाऊँ, ऐसे डालेंगे यू भाई, उनको भी पता है बहुत चोर घूम रहे हैं भाई, मेरा मतलब गए मेरे जैसे नहीं बिल्कुल भी। भाई साहब हमने इधर से भी हेबिल निकाल लिया इन विलेजर का, भाई किसी ने देखा तो नहीं ना, चुपके से निकाल लेते हैं गाइस, बिल्कुल भी किसी को पता लगने वाला ही नहीं है, तो चुपके से जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। भाई साहब इधर क्या लगा हुआ, इसका नाम भूल गया मैं शायद, इसका भी मुझे पता था गाइस। भाई तू क्या कर रहा है भाई, अबे
ये कुछ तो अपना काम कर रहा है शायद। वो ये मैं कहाँ आ गया, अच्छा इसकी ट्रेड पे आ गया मैं। तो भाई 4 एमरल्ड के बदले ये हमें दे रहा है शूज, बूट, जो आर्मर के बूट होते हैं ना वो दे रहा है। लेकिन हमारे पास 3 एमरल्ड है, ये मानेगा ही नहीं कभी भी 3 एमरल्ड में, तो कभी देने वाला है नहीं हमें, क्योंकि इसने एक ट्रेड फिक्स की हुई है जिसपे मुझे देगा, बल्कि 1 एमरल्ड से हम बूट नहीं खरीद सकते। सैड भाई, तो कोई बात नहीं, हम पूरा का पूरा आर्मर बना के ला के दिखाएंगे भाई इसको। भाई साहब हल्के में लिया हुआ, इसने पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं गाइस, अभी हमें क्राफ्टिंग टेबल पे सबसे पहले तो इधर लगानी होगी, और हमें अपने लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करना है। तो गाइस हमारे खाने का भी इंतजाम हो चुका है, हमारे पास एक स्टैक और काफी सारा और भी आ चुका है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो जो चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। जल्दी से भाई के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, और सैटरडे को संडे को लाइव स्ट्रीम होंगी शाम को 6 बजे। तो जल्दी से सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो सर्वर में। 4 बंदे कौन से होने वाले हैं गाइस, 4 बंदे जो ज्वाइन होंगे देखना है बस, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उन बंदों का। तो भाई जल्दी से ज्वाइन होए, और मुझे SMP का नाम भी बताना नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें, फॉलो करें इंस्टा पे, मेरे से बात करनी है इस सर्वर के बारे में, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएं डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि मैं बात भी वहीं पर ही करनी होगी। तो फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे जल्दी से फॉलो भी कर सकते हैं। गाइस मैं मिलूंगा आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। गाइस मुझे लग रहा है आप लोगों से ज़्यादा इस बंदे को मेरी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, हाथ बांध कर क्या कर रहा है मेरी बातें सुन रहा है भाई। एक मिनट भाई साहब, ये लोग भी खड़े होकर सुन रहे हैं भाई, भाई पता नहीं इन विलेजर का क्या होने वाला है। बाय बाय गाइस।